Hey viewers, good morning. Hope you all are doing absolutely great. तो अभी बज रहा है यही कहीं 9:30 और अभी हम लोग निकल रहे हैं कॉलेज के लिए। आज भी 15 से 10 मिनट लेट है, ज़्यादा लेट नहीं है, पर वो तो जायज़ था क्योंकि कल रात को पूरी रात नींद नहीं आई है, क्योंकि क्या था, सर दुख रहा था, पता नहीं क्यों दुख रहा था, तो उसी की वजह से रात को बराबर नींद नहीं आ पाई थी। तो उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आज 10-15 मिनट ही लेट है, ज़्यादा लेट भी नहीं है। तो चलें फटाफट पहले निकलते हैं और आज नाश्ते में शायद पफ वॉफ खाते जाएगा, गुजर के भाई यूँ भी पफ वॉफ खाते जाएंगे, बोला आज ठीक है भाई खाते जाएंगे। चले चलते हैं नीचे। कैसा है? हाँ यार क्या करे, और कुछ कर भी नहीं सकते। तो दोस्तों अरे जल्दी आना है मेरे को, और वो छोड़ते नहीं है मेरे को कॉलेज में से। तो दोस्तों अभी क्या है, बहुत सारे लोग मतलब ऐसे पूछ रहे थे मुझे कि भाई आप कौन सी कॉलेज में पढ़ते हो, आपका कोर्स कौन सा है। तो दोस्तों मैं पढ़ता हूँ iStar में, जो वल्लभ विद्यानगर में है आणंद में, और मेरा कोर्स है मास्टर्स इन इंडस्ट्रियल हाइजीन एंड सेफ्टी, और मैं अभी हूँ फर्स्ट ईयर में, और अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अभी तो मैंने मिड टर्म्स का एग्ज़ाम दिया है, अगर पास हुए तो सेकंड सेमेस्टर में जाऊँगा, वरना फिर फर्स्ट सेम से ही उठामड़ा कर दूँगा। हमारे गुजराती में उठामड़ा आता है, आप लोगों में आता है कि नहीं आता है मुझे तो नहीं पता है, तो क्या ऐसे उठ भी जाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं। तो चलिए अभी फ़िलहाल तो चलते हैं सीधा कॉलेज। अभी मेरा फर्स्ट ही सेम है और अभी मेरा मिड टर्म्स हुआ है और अब मेरे एक्सटर्नल्स आएंगे यही कोई दिवाली के बाद। थैंक यू छोटू। तो दोस्तों मिलते ही ये मेरा वॉलेट में भूल गया था, अभी सीधा निकलते हैं कॉलेज के लिए। मैं तो मैंने सोचा आपको थोड़ा बहुत और ब्रीफिंग दे देता हूँ। छोटू बाय, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ भाई लोग? हम छूट गए और आप आ रहे हो ऐसे कैसे? अरे भाई आ जाना, बहुत लेट हो गया, वो कल रात को क्या थोड़ा सर्वर दर्द कर रहा था तो 2-3 बज गए थे, तो उसी वजह से। अब कहाँ पर है? 1:30 बजे को वापस वल्लभ एलॉय में, यहाँ पे फिर यहाँ से वल्लभ एलॉय। हाँ तो ठीक है, चलो मैं सर को मिलकर तो आता हूँ। तो दोस्तों अभी अभी बहुत ही बड़ा पोपट हो गया है, मैं तो आ गया हूँ, पर अभी क्या 10:30 बजे ही ऐसे क्लासेस सब ऐसे खत्म हो चुकी है, और ये देखो ये भाई लोग अपने मेरे क्लासमेट मेरे को अभी इधर मिल रहे हैं, पर कोई बात नहीं, अभी सर को मिल के आते हैं तो क्या उनको भी ऐसा हो जाए कि नहीं नहीं भाई थोड़ा बहुत मतलब बंदे आ तो रहे, क्योंकि फिर वो नहीं जाते हैं ना तो क्या घर वर्ग फोन हो जाता है और फिर बड़ी दिक्कतें होती है। देखो इसके साथ ही कल ऐसा हुआ था ना, कल घर पे फोन हुआ था ना? नहीं हुआ था। रहने दे, सच्ची हो ही गया था। तो दोस्तों अभी ये सब चल रहा है, तो अभी तो खत्म है ना सब, चलो अभी वापस कुछ करते हैं, पता नहीं अब क्या करेंगे, अब कुछ करेंगे तो सही, पर पहले मिलने चलते हैं सर। तो दोस्तों 4 दिन से ये भाई है ना मेरे को कब कैसे लबड़ा रहे, तो मैं अभी आता हूँ, पर है ना पता नहीं क्या काम में इतने बिजी है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ चक्कर लग रहा है, पर अब कोई बात नहीं, वो तो हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। पर है ना 4 दिन से ये भाई मेरे को लबड़ा रहे, आज जाके मेरे को मिले, अब देखते हैं मेरा काम होता है कि नहीं होता है, होगा कि नहीं। मेल तो कर दिया, पर अभी क्या यार, अब मैं क्या बोलूँ, 4 बार मैं आपको बोलता हूँ तो अब जाके एक बार आप मेल करते हो, वो कोई मेल हुआ? अरे तुम देखते नहीं हो, 3-3 4-4 आईडी रखते हो मेरे। क्या 3-3 4-4 आईडी? वो अब यार यूट्यूब करते हैं तो रखना नहीं पड़ता इतना तो। शेल्टर पर जैसे कि आपने अगली वाली फिल्म में देखा कि मैं जैसे ही कॉलेज पहुंचा वहां पर तो क्लासेस खत्म हो चुके थे, और अभी बज रहे हैं यही कहीं 11:30 और हमें वापस जाना है 1:30 बजे। आज जाना है वल्लभ एलॉय स्टील्स में वापस, क्योंकि वहां पर हमारा कुछ प्रैक्टिकल है, वो हमें परफॉर्म करना है। तो अब चलिए बात करते हैं कि मैं क्या पढ़ता हूँ और कौन सी कॉलेज में हूँ और कौन से ईयर में हूँ। तो मैं पढ़ता हूँ यहाँ पर iStar में, और मैं कर रहा हूँ मास्टर्स इन इंडस्ट्रियल हाइजीन एंड सेफ्टी,
जो एक कोर्स है, ये वाला जो कोर्स है वो रिलेटेड है मतलब जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी के जो सारे मैनेजमेंट इश्यू होते हैं, जो सेफ्टी के जो सारे मतलब गार्ड वार्ड लगा रहे हैं मशीनरी पर, ये वो मतलब बेसिकली वर्कर्स की सेफ्टी के लिए जो लोग मतलब जो इंडस्ट्रियल जोन के अंदर काम करते हैं उनके ऊपर क्या क्या हमको एक्शंस लेने होते हैं सेफ्टी के लिए, तो बेसिकली मेरा वही सारा मतलब पढ़ने का अभी तो शुरू है और वो चल रहा है। और मैं अभी हूँ फर्स्ट ईयर में, तो अभी अभी मेरे जो मिड टर्म्स के एग्जाम है मतलब इंटरनल एग्जाम्स है वो खत्म हो चुके हैं और एक्सटर्नल हमारे एग्जाम्स होंगे दिवाली के बाद, मतलब यही कहीं 7-8 तारीख के आजू बाजू होंगे, तो वापस हमारे ब्लॉग वो थोड़े दिनों के लिए नहीं आएंगे। तो मतलब मैं इसी वजह से अभी क्या था थोड़े दिन से वो ब्लॉग भी नहीं डाल रहा था, और जो महुआ वाला जो पूरा मैंने वो जो सीरीज डाली थी वो मैंने बहुत पहले शूट करके रखी थी, तो मैं अभी क्या था जैसे ही थोड़ा बहुत फ्री हुआ तो एडिट कर करके मैं डाल रहा था। और अभी थोड़े दिन वापस क्या है कोर्स वोर्स का सब चलेगा, मतलब आगे तो थोड़ा बहुत कोर्स बाकी रह गया है वो ये लोग ख़त्म करेंगे, और फिर आ जाएगी नवरात्रि, तो नवरात्रि में तो आपको पता ही है अपन सब गुजराती लोग क्या करते हैं गरबा ही करते रहते हैं, तो तब भी हमारा कुछ हो नहीं पाएगा, तो उसी वजह से अभी ये ब्लॉगिंग का सब चल रहा है। और ये देखो धवल भाई भी आ चुके हैं। क्या धवल भाई दोस्तों, अभी बज रहा है यही कहीं 1:30 बजे का हमारा लेक्चर है जैसे कि मैंने आपको बोला, और मैं सीधा शेल्टर पे आकर सो ही गया, छोटा सा पावर नैप ले लिया है, अभी थोड़ा बहुत फ्रेश फील कर रहा है क्योंकि कल रात को मतलब बहुत देर तक जग रहा था, वो मैंने आपको बताया सर दर्द से थोड़ा बहुत दिक्कत चल रहा था, तो उसी की वजह से जब रात को बराबर नींद नहीं आ पाई थी। और अभी अभी मतलब मैं ये इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था तब मेरे को पता चला कि जो अपने वो राजू श्रीवास्तव है कॉमेडियन है वो अभी मतलब ही रहे हैं, तो रेस्ट इन पीस उनको भी। और वो आपको पता होगा वो वाली ऐड के अंदर आते थे पेट सफ़ा तो हर रोग दफ़ा, वो वाली ऐड के अंदर एडवर्टाइजमेंट के अंदर आते थे। तो कोई बात नहीं, जीवन का कुछ भी पता नहीं है, आज चांद है तो कल अंधेरा है, तो जी लीजिए, मैं तो यही बोलता हूँ जब तक है आपके आप लोगों के पास तब तक। और उसमें मैंने एक छोटा सा आर्टिकल है उसके अंदर मैंने रीड किया तो कि वो ऐसे ट्रेडमिल पर अपने एक्सरसाइज कर रहे थे तभी मतलब उनके साथ पता नहीं क्या स्ट्रोक आया या अटैक वटैक आया तो मतलब ही पास गए। तो दोस्तों क्या ही कर सकते थे, चले अभी हम लोग निकलते हैं सीधा कॉलेज के लिए क्योंकि 1 बज रहा है और यही कहीं 1:30 बजे को हमको जाना है वल्लभ एलॉय स्टील का कास्टिंग का जो फैक्ट्री है उधर सैम्पलिंग करने के लिए बेसिकली। और आज शायद सैम्पलिंग वो साइक्लोन वाला सैम्पलिंग हुआ है, सैम्पलिंग ट्रेन पूरी हम उधर दिखानी है पर्सनल सैम्पलिंग की, तो चलिए उधर चलते हैं सबको आपको मैं दिखाता हूँ क्या है क्या नहीं। चलो धवल भाई मिलते हैं ना अभी, बाय बाय। 11 बजे से तुम यहीं पे बैठे हो? अरे नहीं भाई मैं चला गया था शेल्टर यार, अभी 1:30 बज रहा था तो मैंने सोचा आज थोड़ा जल्दी जाते हैं ना। अब हम करेंगे एयर सैंपलिंग। एयर सैंपलिंग ना वो मैंने बता दिया कि पर्सनल सैंपलिंग आज करना है। ये रहे अपने निकुंज भाई। क्या निकुंज भाई? वल्लभ एलॉय कंपनी में ही जाना है। उधर हम लोग वैसे तो एक बार हम लोग उधर जाके आए, आप लोगों ने वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो इधर मैं लिंक दे दूंगा, उधर जाके भी आप वाला ब्लॉग देख सकते हो। क्या भाई? सही बात सही बात। और उसमें ना ये भाई ने बहुत बढ़िया सीन क्रिएट किया था उधर। सीन हम कभी भी कर लेते हैं। हाँ कर लेते हैं। हाँ ऐसा नहीं है। हाँ तो अभी पहले ऊपर जाना है कि नहीं जाना है? अभी ऊपर 2 CR लोग है ना वो जाएंगे। CR लोग जाएंगे? हाँ तो कोई बात नहीं, CR लोग तो अभी आए नहीं है क्या ऐसे? अभी पूरी सेना आ चुकी है पर अभी सेना के लीडर बाकी है, सेनापति बाकी है, तो वो अभी जैसे आते हैं वैसे फिर आगे की क्या है क्या बोलते हैं उसको भाई प्रोसेस, आगे की प्रोसेस फिर हम लोग आपको दिखाते हैं। ખમણ બહુ ફેમસ વસ્તુ છે ખાવા માટે, તો ખમણ માં જે આપણે લોટા ને લોટ એ પલાળેલો હોય બરાબર છે ને એને સ્ટફ કરે એને ખીરું કહેવાય, ખીરું કહેવાય બરાબર છે હા। તો હવે આ જે લોચો જેને બી નામ પાડ્યું જેને બી સ્ટાર્ટ કરેલું ને બરાબર છે એ માણસ પેલા ખમણ જ વેચતો હતો, પછી એક વખત એનાથી શું થયું કે ખીરુંમાં પાણી વધારે થઈ ગયું બાબત, એને સ્ટીમ સ્ટફ કરવા સ્ટીમમાં તો મૂકી દીધા પછી બહાર કાઢ્યા ને થોડાક ટાઈમ પછી તો ઢીલું રહી ગયું એમ, એવું બોલે લોચો થઈ ગયો એમ, એટલે કે પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો એમ, લોચો પડી ગયો એમ, તેમાંથી આ લોચો નામ પડે છે ને એ ખાવાની વસ્તુ ફેમસ થઈ ગઈ છે। तो ये जैसे कि आप लोग देख रहे हो ये अपना रोटामीटर है, ये है अपनी टाइगोन ट्यूब और ये सब अभी इसके अंदर अपन लोग रख रहे हैं और ये अभी लेके जाएंगे हम लोग सीधा उधर फैक्ट्री पर। ये रहा अपना मीत भाई, लास्ट व्लॉग में भी शायद उन्होंने यही शर्ट पहनी थी और वो एक्सप्लेन कर रहे थे, आप लोग जाकर देख सकते हो वो वाला व्लॉग भी। क्या आप लोग देख रहे हो हम लोग सब एकदम मस्त तैयार हो गए हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं।
ऊपर सैम्पलिंग करने के लिए। और अभी देखते हैं कैसे क्या सैम्पलिंग होता है। आधे घंटे का शायद टाइम लिमिट रखेंगे, 30 मिनट का, और सब कुछ समझाता हूँ मैं उधर जाके कैसे क्या कटिंग करना है और कैसे हमारा पूरा सैम्पलिंग का काम जब रहता है वो। ये देखिए मयंक जी, यहाँ पर बैकयार्ड में आए थे इंडस्ट्री के, यहाँ पर क्या आमला का एक झाड़ मिल गया है, तो अपना निकुंज भाई ने क्या थोड़े बहुत गिराए थे और अभी क्या आमला हम लोग खा रहे हैं, बहुत मजा मजा आ रहा है। आगे हम लोगों ने वो पंप सारे हमारे सैंपलिंग के लिए रख दिए, अभी आधे घंटे का, एक घंटे का टाइम है, कितने का टाइमर सेट किया है भाई? आधे घंटे का किया हुआ है। तो अभी देखिए ये आमला आमला चल रहा है, ये करमदा करके, हाँ वो भी खा रहे और चले। अभी ये लोग बुला रहे हैं तो अभी हम लोग जाते हैं आगे की तरफ। ये देखो आमला आमला खा रहे। तो दोस्तों अभी हमारा सैंपलिंग का काम हुआ है, हम जा रहे और अभी हम लोग जा रहे किधर जा रहे भाई? दाबेली खाने जा रहे हैं। और उसका नाम क्या है यार, मैं भूल गया। तो कुछ अच्छा नाम है वो दाबेली का, मस्ताना दाबेली शायद, पता नहीं उधर जाके देखते। पर आनंद में वो बहुत ही फेमस है, मैं अभी नाम भूल गया हूँ उसका क्योंकि मैं फ्रिक्वेंटली जाता नहीं हूँ, ऊपर मेरे को पता है मैंने उधर खाई हुई है, बहुत ही बढ़िया दाबेली मिलती है। तो कैश भाई बोल रहे थे कुछ नाश्ता करना, मैं बोला चलो उधर चलते हैं, और क्या उधर जनता से नज़दीक होता है। तो अभी हम लोग है GIDC वाले एरिया में, ये वल्लभ एलॉयज के अंदर, और अभी हम लोग वहाँ से यहाँ से जा रहे सीधा जनता से, जनता से कॉलेज में थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म करके सीधे निकलेंगे फ्लाइट पर के लिए। चलो भाई तो मिलते हैं। अभी हम लोग वापस पहुंच गए हैं शेल्टर पर और ये वाला व्लॉग यहां पर ही एंड करते हैं। डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू, टिल देन स्टे ट्यून, ऐसे ही हमारे वीडियोस देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए और ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए।